ज्वाइन कर चुके हैं। राणा सनाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, आपने एक बयान दिया है कि वोटर निकला ही नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बड़ी ज्यादती नहीं कर दी आपने ये कह के? राणा सनावला साहब, आपको आवाज आ रही है? राणा सनावला साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल। सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, बिल्कुल खैर है, बिल्कुल। सर, मुझे बताएं कि आपने एक बयान दिया है कि पीटीआई का वोटर निकला ही नहीं, तो ये बड़ी ज्यादती नहीं कर दी आपने पीटीआई वालों के साथ? नहीं तो अगर उनका वोटर निकलता तो फिर उनको वोट पड़ता ना। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमें वोट पड़ा है, लेकिन वही काम जो आपने 8 फरवरी को किया था, 9 फरवरी वाले रिजल्ट्स हैं, वही काम हमारे साथ हो रहा है। नहीं, वो तो कह रहे थे कि 8 फरवरी को हमने 5:30 बजे के बाद अगले दिन जाके 9 को काम किया, तो आज अगर दिन के वक्त वहाँ पे काम हो रहा था तो इनके अगर लोग वहाँ पे पहुंचे होते तो रोक लेते। अच्छा, तो आपके कोई भी ऐसी रिपोर्ट नजर से नहीं गुजरी जहाँ पर ये काम हो? अच्छा, मुझे बताएं राणा सलाल साहब, ये जो वोट पड़े हैं लोगों के, मुस्लिम लीग नून को, ये ऐसे 2 महीने में 2.5 महीने में काफी ज्यादा माशाल्लाह एतमाद लोगों का बहाल हो गया नून लीग पे, नहीं? देखें, इसमें मामला ये है कि एक तो बात तय है कि जो होता है ना, ये जिमनी इलेक्शन, इसमें टर्न आउट कम होता है, और एक होता है आपका सिर्फ वोटर, एक होता है वोटर सपोर्टर, यानी जिसको आप कारकुन भी कह सकते हैं। तो जिमनी इलेक्शन में वो वोट पड़ता है आपको जो कि आपका सपोर्टर होता है, जो आपका कारकुन भी होता है। तो वो लोग जो थे वो पीटीआई के, वो 8 के बाद जो हठधर्मी अपनाई बानी पीटीआई ने, और पीटीआई ने जिन लोगों को इलेक्ट करके भेजा, ये नमूने जब लोगों ने देखे हैं वहाँ पार्लियामेंट में और असम्बली में, तो लोग हैरान परेशान हो गए कि ये किन लोगों को जो है वो मुंतखब करके तो हमने जो है वहाँ पे भेज दिया। तो वो बड़ा मायूस हुए हैं दोनों चीजों से कि 192 पीटीआई ने हठधर्मी का रवैया ही अपनाए रखा और मामला किसी जो है ना वो तरफ लगाया नहीं, कोई रास्ता नहीं निकाला। और दूसरा ये है कि ये जो नमूने उन्होंने इलेक्ट करके भेजे हैं, ये आप जो वहाँ पे कर रहे हैं पार्लियामेंट में भी, और राणा साहब आपके सामने एक सवाल सुन लीजिए। राणा साहब, फरूख बड़ाई चर्च कर रहा हूँ कि जी जी। क्या वजह है आपकी मकबूलियत तो अपनी जगह पे है मुस्लिम लीग नून की, आपका वोटर आपके साथ खड़ा है, क्या वजह है कि आप कोई जलसा नहीं देखने में आया? वहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत जलसे करती रही, आप लोग आराम से बैठे रहे, क्या इतना इत्मीनान क्यों? नहीं, जलसे जुलसे उन्होंने भी कोई नहीं किए, क्योंकि ये कैंपेन जो है ये सारी, एक तो रमजान शरीफ पड़ गया बीच में, और आपके इलम में है कि फिर खास तौर पे जो आखिरी अशरा होता है तो हमारे लोग उम्रे पे जाना, इबादत में मशगूल रहना, उसके बाद फिर ईद आ गई, तो ईद के बाद टोटल कोई 4-5 दिन की ये कैंपेन है, तो फिर लोगों ने ज्यादा इसको डोर टू डोर जो है वो करने में जो है वो बेहतर जाना, तो इसलिए इसमें आप देखें ना, एक जलसे का जब इस्तेमाल करना होता है खासतौर पे बड़ी लीडरशिप का, तो उसके लिए तो कम से कम आपको 10-15 दिन तैयारी के लिए चाहिए। अच्छा, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी कि जब से आप लोगों की हुकूमत कायम हुई है या बनी है, आप लोगों के अपने जो दरीना साथी हैं आपकी पार्टी से ही, वो ये बयान मुतवातर दे रहे हैं कि ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, ज़बरदस्ती पकड़ाई गई है। जावेद लतीफ़ साहब का मैं नाम भी ले लेती हूँ कि वो ये कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती ये हुकूमत दी गई है। अब ये जो आप सीट्स वगैरह जीत गए हैं, क्या ये वो इम्प्रेशन ख़त्म कर सकेगी जो डेवलप हो गया है? नहीं, देखें, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट मांगे तांगे का लफ्ज़ ज़रा सख्त हो जाता है, लेकिन बहरहाल जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनकी मरहूने मिन्नत होती है, उन सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, उनके प्रेशर्स भी होते हैं, उनके मुतालबात भी होते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी पार्टी की सिंपल मेजोरिटी से या मेजोरिटी से बनाई जाए, उसके डिलीवरी का और एक कोलिशन गवर्नमेंट में काम करने का बड़ा फर्क है। ये फर्क जो है ये मलहूज खातर रहना चाहिए और उसी के मुताबिक हमसे जो है वो मुतालबा होना चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट से, लेकिन बहरहाल मौजूदा गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी डिलीवर करने की, और जो डिलीवर हो सका इंशाल्लाह ताला जो है वो जरूर करेंगे।
लेकिन जबरदस्ती किसी ने गवर्नमेंट क्या लेनी है, जबरदस्ती वाला मामला कोई नहीं है। लेकिन अब आवाम ने स्प्लिट मैंडेट दिया, अब इसमें आवाम के फैसले को अब क्या कहें, गलत तो नहीं कह सकते। नहीं लेकिन ना साहब वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि पीपल्स पार्टी जा रहा है कि वो उसका भी एक आपके साथ रابطہ है और फिर वो पीपल्स पार्टी का कब कहाँ कैसे मूड चेंज हो जाए ये भी है। लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बैक लोग हैं सुनी इत्तेहाद काउंसिल वाले, उनका बयान ही अलबत्ता स्ट्रांग हो जाएगा इसके बाद मजीद के वो कहेंगे धांधली हो रही है। नहीं, वैसे नहीं, वो ये दावा ये भी कर रहे हैं कि जो बानी पीटीआई है वो भी बाहर आएंगे। देखिए बात सुने, ये जो उन्होंने 90-92 आदमी भेजे हैं ना पार्लियामेंट में, उनकी आप जरा शक्लें और उनकी हरकतें भी देखें ना साहब, ज्यादती नहीं रहे वो ऐसे, अच्छे लोग हैं, आ गए आप उनको वार्म वेलकम करें। ऐसे ऐसे नमूने भेजे हैं पीटीआई ने कि लोग भी उनके अपने वोटर सपोर्टर परेशान हो गए हैं और बद दिल हुए हैं। आज उनका वोटर सपोर्टर राणा साहब 53% इन द पार्लियामेंट, स्पेशली जो पीटीआई के लोग हैं वो बड़े नए चेहरे हैं, आपको तो वेलकम करना चाहिए उनको। वो नए चेहरे कोई चाजक के होने चाहिए ना, इस किस्म के नमूने तो नहीं होने चाहिए। नहीं सर, आपकी बात आपस में मिलती है ना, उनके बड़े सख्त आपने कह दिया जुमला और गुफ्तगू जो करते हैं वो आपके सामने ही है। नहीं मैं कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मामला ये है कि पार्लियामेंट का एक मेयार होता है, पार्लियामेंट में जिन लोगों ने जाना होता है वहाँ पे आप देखें ये खातून ही थी ना। चले छोड़े इस बात को कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन है या वो जुल्फकार अली भुट्टो की जो है वो नवासी है, लेकिन ये खातून तो है ना, ये किस सही है। ठीक है साहब, मुझे लास्टली बताइएगा ये जो दावा पीटीआई अभी भी कर रही है कि उनके जो बानी है वो वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बर्फ पिघलेगी एक दिन इंशाल्लाह हो जाएगी। देखे बानी पीटीआई जो है उन्हें इस सूरत हाल में जो है वो खुद को जो है वो बिल्कुल कन्फ्रंट करना चाहिए और उसे चाहिए कि वो सिस्टम के अंदर रह के जो है वो बेहतरी लाने के लिए सियासतदानों के साथ, सियासी जमातों के साथ बैठे। तो आप बैठेंगे फिर बेहतरी के लिए बात करेंगे? तो हमने तो उसे 17-18 में जब हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई, हमें इलेक्शन हराया गया, हमने तो उस वक्त उसे पार्लियामेंट में कहा कि भाई आए बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। उसने कहा मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो आपको सबको जेलों में डालना है। उसने हमारे खिलाफ मुकदमे बना के हमें पकड़ के जेलों में बंद कर दिया।